गारो हिल्स के पहाड़ी गांव बक फूलों के वृक्षों से समृद्ध हैं। ये फूल सफेद दिखते हैं। ठंड के मौसम में इन फूलों को पेड़ पर देखना बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह फूल के पकौड़ा बनाया जा सकता है? आइए देखते हैं कि यह फूल के पकौड़ा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सफेद बक फूलों को अच्छी तरह से धो लें। अब एक छोटा गमला में मैदा या चावल का पाउडर लें, फिर नमक और हल्दी पाउडर डालें, पानी मिलाकर पकौड़ा का पेस्ट बना लें। अब पैन में थोड़ा सा तेल छोड़ दें। जब तेल गर्म हो जाए, पेस्ट मिश्रित बक फूल को तेल में छोड़ दें। हल्का भून जाने पर पकौड़ा को उल्टा कर दें। जब यह हल्का भून जाए तो पकौड़ा को तल लें। जब सारे पकौड़ा हल्का भून जाए तो उन्हें एक प्लेट पर रख दें। अब आपको पकौड़ा को फिर से फ्राई करना है। याद रहे, इस बार आपको इसे क्रिस्पी करके फ्राई करना है। चलो फिर से पैन में तेल डालें। अब आपको पकौड़ा क्रिस्पी बनाना है। जब सभी पकौड़ा क्रिस्पी बन जाएं, तो इसे एक प्लेट पर रख दें। जब इसे गर्म परोसा जाता है तो यह स्वादिष्ट और कुरकुरा लगेगा। दोस्तों, ऐसे ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी बक फूलों का पकौड़ा बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। इस प्रकार की सिंपल रेसिपी सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल बटन पर क्लिक करें। लाइक, शेयर और कमेंट करें।